एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं परवीन। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। फरीदाबाद ज़िले से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए सीख लेते हैं। तो देखिए, फरीदाबाद की स्थापना 2 अगस्त 1989 को हुई थी और इसका इतिहास मैं आपको बता देता हूँ। फरीदाबाद शहर 1607 ईस्वी में जागीर के कोषाधिकारी शेख फरीद द्वारा बसाया गया था। इस शहर से पहले यहाँ एक गांव था जिसमें 14वीं सदी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईश्वरदास रहते थे। उनकी 3 पुस्तकें अंगद पैजा, भरत विलाप और सत्यवती कथा मशहूर हैं। इसके निकट के ही सीही गांव में सूरदास का जन्म हुआ था। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फरीदाबाद एक अविकसित क्षेत्र था। नया फरीदाबाद देश के उन 10 नगरों में शामिल है जो विशेषकर विस्थापितों के लिए बसाया गया था। आज फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा तेज है। इसके पूर्व में सदाबहार नदी यमुना बहती है और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 इस जिले में से ही गुजरता है। यहाँ पिन व बटन से लेकर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, कूलर, बिजली के स्विच, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो, ज्योतिष और टायरों के प्रमुख उद्योग हैं। हरियाणा राज्य में फरीदाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। शहरीकरण में फरीदाबाद सबसे आगे है। यह हरियाणा राज्य का प्रथम जिला है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। इस जिले में मलिन बस्तियां भी सबसे अधिक पाई जाती हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में बड़खल झील प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। फरीदाबाद के गांव ती गांव को अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है। किशोरी महल एक प्रसिद्ध यहाँ का पर्यटक स्थल है। नार सिंह स्टेडियम भी यहाँ पर स्थित है और हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम भी यहाँ पर स्थित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है उपमंडल। जो फरीदाबाद में उपमंडल पड़ते हैं वो है फरीदाबाद और बल्लभगढ़, और जो तहसील हैं वो पड़ती हैं फरीदाबाद और बल्लभगढ़। उसके बाद जो उप तहसील हैं वो पड़ती हैं मोहना और ती गांव, और उसके बाद जो खंड हैं वो पड़ते हैं फरीदाबाद और बल्लभगढ़। तो ये हैं यहाँ के उपमंडल, तहसील और खंड। तो आगे देखते हैं। आगे है राज्य में सबसे अधिक। तो यह राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, और इसके बाद यह राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला है। इसके अलावा राज्य का सबसे अधिक नगरीय जो जनसंख्या वाला जिला है वो भी फरीदाबाद ही है, और जो राज्य का सबसे अधिक उद्योगों वाला जिला है वो भी ये फरीदाबाद ही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है प्रमुख विश्वविद्यालय। फरीदाबाद में मानव रचना शिक्षण संस्थान को अक्टूबर 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिम्ब्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया और इसका नाम मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो देखिए, इस यूनिवर्सिटी की फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका नाम भी लिख रखा है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और इसकी ये एक दूसरी फ़ोटो है जो साइड से ली गई है, ये भी इसी यूनिवर्सिटी की फ़ोटो है। तो ये है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फ़ोटो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फरीदाबाद के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है सूरज कुंड। इस कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। यहाँ पर हर वर्ष सूरज कुंड का मेला लगता है। तो देखिए, ये सूरज कुंड का मेला है। मेरे पास में ये फरीदाबाद पड़ता है इसलिए मैंने ये मेला देखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा मेला है। देश विदेश के पर्यटक भी इस मेले को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस मेले की ये खासियत है कि इसके अंदर जो चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं, वो सस्ती नहीं होती हैं। तो इन फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेला लगा हुआ है और ये इस मेले के अंदर जाने का फ्रंट गेट है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है बड़खल झील। बड़खल झील दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना था। इस झील पर 6,445 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया है। तो इसकी फ़ोटो भी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ये इस प्रकार से दिखाई देती है बड़खल झील, और ये आप यहाँ पे साइन बोर्ड देख सकते हैं बड़खल झील का, जो कि एक सड़क के किनारे लगाया गया है। तो ये है बड़खल झील। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है अरावली का गोल्फ मैदान। नेशनल हाईवे नंबर 2 से सटा हुआ यह गोल्फ मैदान बहुत ही सुंदर मैदान है, जिसका डिज़ाइन अमेरिका के स्टीफन के ने बनाया था।
तो जो गोल्फ के मैदान होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये एक गोल्फ मैदान है और यहाँ पे ये एक व्यक्ति गोल्फ खेल रहा है। ये खेल कुछ इस प्रकार से होता है कि एक जो गेंद होती है उसको एक डंडी के द्वारा मारना होता है। तो ये होता है गोल्फ मैदान। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है ख्वाजा की सराय। फरीदाबाद जिले के गाँव सराय ख्वाजा में लगभग 3000 वर्ष पुरानी एक सराय है। इस सराय के नाम पर ही गाँव का नाम सराय ख्वाजा पड़ा था। यह सराय पीर ख्वाजा के नाम से बनाई गई थी। तो ये ख्वाजा के पास एक पुल पड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं फोटो के अंदर ये एक पुल है जो इस ख्वाजा की सराय के पास स्थित है। तो देखिए हम आगे देख लेते हैं। आगे है राजा नाहर सिंह की हवेली। यह हवेली बल्लभगढ़ में दुर्ग प्राचीर के भीतर स्थित है। इसके किले को बनवाने की योजना राजा बल्लू के शासनकाल में बनाई गई थी, जिसे उसके पुत्र किशन सिंह ने पूरा करवाया था। तो इस हवेली की फ़ोटो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ये फ़ोटो थोड़ी दूर से ली गई है और ये दूसरी फ़ोटो है ये थोड़े पास से ली गई है। तो ये है राजा नाहर सिंह की हवेली। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सूरदास जन्मस्थली। तो फरीदाबाद के अंदर जो बल्लभगढ़ है उसके निकट स्थित सीही ग्राम में सूरदास की जन्मस्थली मानी जाती है। यह साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी है और सूरदास के जन्मदिन पर यहाँ साहित्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ सीही के अंदर सूरदास की जन्मस्थली है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है दाऊजी मंदिर बंचारी। फरीदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर स्थित बंचारी ग्राम में दाऊजी का मंदिर स्थित है। यह श्री कृष्ण के भाई बलराम की याद में बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ नीचे फोटो है, ये दाऊजी मंदिर की फोटो है। तो ये है दाऊजी मंदिर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है बाबा फरीद टोंब। ऐसी अवधारणा है कि सूफी संत बाबा फरीद ने फरीदाबाद नगर की स्थापना की थी। यह गुंबद स्थानीय लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसकी फ़ोटो बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे लोग घूम रहे हैं और ये यहाँ पे इस पर सफ़ेद कलर की सफ़ेदी की हुई है। तो ये है बाबा फरीद का टोंब। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है धोज झील। फरीदाबाद जिले का यह गाँव अरावली पर्वतमाला में सोहना फरीदाबाद मार्ग पर स्थित है। पर्वतारोहण के लिए यह एक उपयुक्त स्थान है, जहां लगभग 250 ऐसी पर्वतीय स्थल हैं जो कि पर्वतारोहियों के लिए एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करते हैं। यहां की धोज नामक झील एक अत्यंत दर्शनीय झील है। तो देखिए धोज झील की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये है धोज झील। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आगे आपको ये एक पहाड़ दिख रहा है और यहाँ पर आपको ये पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है धोज झील। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है सोधांड। फरीदाबाद से 65 किलोमीटर दूर इस ग्राम में पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की अनेक आकृतियां मिलती हैं। तो देखिए आप यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे ये कुछ पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की आकृतियां रखी हुई हैं और कुछ लोग इनको देख रहे हैं। तो ये होती हैं पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की आकृतियाँ। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है प्रमुख उद्योग। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे उद्योग स्थित हैं। उनमें से कुछ प्रमुख और फेमस उद्योग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, इस्पात, ट्यूब, पावरलूम, रासायनिक पदार्थ और औषधि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे 2 यहाँ फरीदाबाद से गुजरता है और जो यहाँ की प्रमुख नदी है वो है यमुना नदी, जो कि यहाँ पूर्व दिशा में बहती है। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा के सभी नेशनल हाईवे और हरियाणा की सभी प्रमुख नदियों के बारे में मैंने अपनी दूसरी वीडियो में एकदम डिटेल से बता रखा है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो छोटा सा आइकन निशान है वहाँ पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और आप हरियाणा के नेशनल हाईवे और नदियों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक तरीके से हरियाणा जीके कंटिन्यू सीखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।